हाँ जी, कैसे हो आप सब? तो पहले तो आप देख लीजिए, मैंने बिस्तरा झाड़ दिया है और अभी मिस्त्री भैया और ने कह दिया है कि अगले सुबह तक, मतलब 12 घंटे जो इतना भी टाइम होता है, 20 घंटे आप बाहर नहीं निकल सकते हो, क्योंकि ये जो काम है ना टाइल का, अगर टाइल के ऊपर आप खड़े हो जाते हो, ये देख लीजिए आप, जैसे ये टाइल का काम चल रहा है यहाँ पर, बन रही है, देखो कितनी सुंदर लग रही है ना। तो टाइल के ऊपर अगर आप खड़े हो जाओगे ना तो ये टाइल सारी बैठ जाएंगी। तो अभी कोई मैं बाहर नहीं जा सकती आज, तो मेरे को लगा चलो मैं अपना घर का सारा काम निपटा दूं, क्योंकि मुझे अपनी लाइफ को अब बेहतर बनाना है। और मुझे थोड़ी सी उम्मीद से जागने लग गई है मन में कि निधि, अगर मैं पॉजिटिव रहूंगी, खुश रह के अच्छे से बढ़िया काम किया करूंगी, तो मेरी लाइफ जरूर अच्छी हो जाएगी। तो ये देखिए बिस्तरा बना दिया है, और देखिए अभी मैं अभी झाड़ू भी लगाऊंगी। और मैंने क्या कर रही हूँ अभी, एक बार तो जितना भी इस कपड़े हैं जैसे यहाँ पे रखे हुए हैं आप देखिए, ये सारे उठा के ना एक बार तो मैं पीछे कुर्सी पे रख रही हूँ, बाद में मैं आराम से कुर्सी पे से ना तय कर करके लगा दूंगी, फिर सब एक जगह कर देती हूँ, हर जगह खिंडे हुए नहीं मिलेंगे ना फिर। तो सफाई कर रही हूँ मैं एक बार। बेटा आपके लिए थोड़ी है ये पानी। नहीं, हाय राम, बेटा रुक जा, ये लीजिए पानी, ये लीजिए, रुक जा, तेरे को भी दे दूंगी बेटा, ये लीजिए, रुक जा, ले तेरे को भी पिला देती हूँ, रुक। हाय गुस्सा हो रहा, अरे पानी था, कुछ और नहीं था, ये ले ले बाबू, ये ले, हाय मेरा बच्चा, ये ले पानी पी ले। हाँ यही चीज पी रहे हैं वो भी, पी ले वियान, पानी था वो। ये देखो जी आप कितने चाव से टीवी देख रहा है बैठा। ले रिमोट ले ले। हाँ, कह रहा चैनल चेंज करके दे। तो पता है आपको अभी इसमें ना केबल का कोई रिचार्ज नहीं हो रखा, जब भी इसको टीवी देखना होता ना, मैं ऐसे ही जो वो नहीं आता जैसे टाटा स्काई की एड्स वगैरह आती है वही चला देती हूँ, उसी में ही खुश हो जाता है। काफ़ी 10-15 दिन हो गए, तो मैंने सफाई कर दी है, आप देख लीजिए। ये कमरा है कुछ इस तरीके से, और ना यहाँ से मैंने थोड़ा बहुत सामान वैसे ही रखा है, अभी उठाया नहीं है, और थोड़ा बहुत तो ना जैसे नहीं रखा होता ना सामान तो घर घर जैसा नहीं लगता, बिल्कुल खाली खाली सा, थोड़ा बहुत तो रखना भी चाहिए ना। तो यहाँ पे इसके बेबी विहान के बेबी वाइप्स रखे हैं, बार बार ज़रूरत पड़ती है, कंघी रखी हुई है, ये चूहादानी है, चूहा पकड़ने के लिए लाए तो हैं, पता नहीं कब पकड़े जाएंगे। तो आप देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये कमरा सफाई करने के बाद कुछ इस तरीके से दिख रहा है, निपटा दिया, मेरी मम्मा थे नहीं घर पे। और ये देखो आप, यहाँ पे बीच में से एक मिसिंग है ना, ये रहा, ये मेरे को ना रखने नहीं देता, जब भी मैं रखती हूँ ये रोता है, और इसकी ध्यान पड़ जाए ना तो ये रोता है, फिर इसको चाहिए, देख रहा है। रख दिया, अभी तो टीवी पे ध्यान है ना। तो चलो मैंने यहाँ पे लगा दिया है, तो ये देखिए यहाँ घड़ी ना ऐसी की ऐसी अभी रखी हुई है, देखो रसोई में अभी तक लगाई भी नहीं है, ये वाली ना लगानी है, देख लीजिए। अभी किचन भी साफ सुथरी हो गई है, बर्तन ये देख लीजिए, किचन बिल्कुल साफ है वैसे तो, थोड़ा सा सामान रखा है बस किचन में ऊपर। तो ये देख लीजिए, दूसरा रूम मैंने क्लीन कर दिया कुछ इस तरीके से, साफ झाड़ू लगा दिया, कपड़े मैं आराम से लगा दूंगी तय करके, पीछे लगाने हैं मुझे। तो पहले मैं आपको बाथरूम दिखा दूं, बाथरूम की क्लीनिंग मैंने नहीं करी क्योंकि बार बार वही है, गंदे पाँव आ रहे हैं बाहर से। हाँ, ये ले, ये ले, ले खुशब, 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 हाँ आंखों में 2 मिनट में पानी ले आता है ये। तो ये देख लीजिए, बाथरूम की क्लीनिंग अभी नहीं हुई है, अभी भी देखो मिट्टी है बाथरूम में, और मैं ना अभी पानी ज़्यादा यूज़ भी नहीं करना चाहती बाथरूम धोने के लिए, क्योंकि कम अभी ना बाहर देखो अभी काम चल रहा है, वहाँ पे पानी कम पड़ गया ना तो दिक्कत आ जाएगी। तो आपको टाइल वर्क मैं दिखा देती हूँ फाइनली कैसा हुआ है। तो ये देख लीजिए, हमारा चेक बिल्कुल बन के तैयार हो गया है, कितना स्पेस यहाँ पर यूज़ हो जाएगा ना, अब देखो कैसा लग रहा है बताइएगा, अच्छा लग रहा है ना। ये देखो आप, इधर से भी अभी अभी थोड़ा सा, अभी भैया लोग लंच करने ब्रेक पे गए हैं, फिर कंप्लीट हो जाएगा, तो ये काम हमारा भी चल रहा है। हाँ पीछे की सफाई मैंने कर दी है, मैं आपको दिखाती हूँ,
ये देखिए यहाँ जब भी हम पता है टूंटी से यहाँ से पानी लेते हैं, मैंने आपको दिखाया था ना इधर से, यहाँ करेक्शन कर रखा है इसका, तो ये बिजली का नहीं है। जैसे ना कई बार लाइट भी नहीं होती ना, तब भी हमें गर्म पानी मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि ये सिलेंडर पे है। तो यहाँ से जब भी पानी निकालते हैं ना, थोड़ा बहुत यहाँ खिंडमिंड हो ही जाती है। यहाँ तो वैसे मैंने विहान को थोड़ा सा आज नहला दिया था बैठा के, तो इसीलिए पानी पानी हो रखा है। मैं बाथरूम में नहीं नहलाया, यहीं पर नहला दिया था। तो देख लीजिए कुछ इस तरीके से। हाँ मैं आपको ये एरिया दिखा देती हूँ, मैंने क्लीन किया है, ये देखिए आप, कुछ इस तरीके से पूरा सेट कर दिया है मैंने, स्टोर रूम सारा सामान प्रॉपर। ये इधर मैं आपको दिखाती हूँ, आप कहोगे ये इधर गद्दे वगैरह लगा के देखो, यार लगा दिया, सारा सेट कर दिया। और एक काम करती हूँ, मैं बाथरूम भी थोड़ा सा साफ कर ही देती हूँ, वरना मुझे फिर नेगेटिव कमेंट्स आएंगे बाथरूम के लिए। तो मैं थोड़ा सा क्लीन करके आपको दिखा देती हूँ, ये भी मैंने कर दी क्लीनिंग बाथरूम की भी, आप देख लीजिए ये साफ मैंने कर दिया वाइपर से पानी गिर के, ऊपर से भी ये देखो सारा मैंने क्लीन कर दिया है। और ये देख लीजिए ठीक है ना, अब बाथरूम भी हो गया सेट। हाँ बेटा हाँ, अब विहान बाबू को पीना है दूध, क्योंकि विहान को आ रही है अब नींदी, नींद आ रही है ना बच्चा। तो चलिए जी अब इसको मैं सुला देती हूँ, तो चलते आ जाओ बच्चे, चल रही हूँ चल रही हूँ, चलो 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 चलो। अब ये सीधा जाएगा अपने बेड पे, क्योंकि इसे अब करना क्या है, विहान को सोना है, विहान को दूध पी के सोना है। अब ये इसी दाग में है, तो मैं टीवी कर देती हूँ अब बंद, क्योंकि बिजली का बिल आएगा। यहाँ से लाइट बंद, ये दरवाजा भी बंद, ये पीछे का भी हम कर देते हैं बंद। इसके बाद अब हम कर देंगे बाहर का दरवाजा भी बंद। हाँ, कर्टेंस हम लगा देते हैं, ये देखिए। अब इसको गुस्सा आ रहा है कि टीवी क्यों बंद कर दिया। बेटा टीवी तो बंद करना था ना, अब आप सोओगे। लाओ दो, इसको रखो यहाँ, ये ले ले, ये ले लो, ये लो। हाँ, चलो आ जाओ आ जाओ जी। यहाँ पर देख लीजिए विहान बाबू हमारे सो गए हैं, और बस मैं इसको, मैंने कंबल से उड़ा दिया है, ठंड से बचा रहेगा अभी। अब ये 1.5 घंटा आराम से इस टाइम सोता है, मुझे पता था ये ना सोने के लिए, बच्चे को जब सोना होता है ना तो बच्चा अपने अम्मा को ढूंढना शुरू कर देता है और रोना शुरू कर देता है। तो जी यहाँ पे विहान बाबू उठ गए हैं, देख लीजिए, और सामने टीवी चला दिए, और मम्मी देखो, मम्मी का नानी का प्यार देखो, क्या खिलाने लग रहे हैं, आलू मेथी मेथी की सब्जी विहान को खिला रहे हैं। बाबू कैसी लग रही है बता दे, बता देना बेटा, बोलेगा तूने थोड़ी बनाई है जो तेरे को बताऊंगा। खुश है विहान, देखो देखो बॉल के साथ खेल रहा है। ये देखिए जी विहान की बॉल और मम्मा का प्यार, मेरा प्यारा बच्चा है। ओ मुझे कई बार ना विहान थोड़ा सीरियस टाइप का बच्चा लगता है ही है सीरियस, ना मम्मा, ये थोड़ा होता मेरा नहीं है कि समझदार बनेगा। बहुत ही ज्यादा समझदार लगता है अभी से, अपनी उम्र से मेरे ज्यादा। को इसको कहा जा गिलास रख के रसोई में तुरंत रखने जाता, पानी ले आइए, सारी समझदार विहान मैंने अंधे बनाए, कहेगा हाँ मैं मेरा खाऊंगा। भोपलू मोपलू, मानू नानी ने क्या बनाया, अंडा। अंडा अंडा आज नानी ने नहीं बनाया, नानी ने बनाया। शाम का टाइम है और मैं पी रही हूँ कॉफी, आप भी पी लीजिए मेरे साथ गर्मा गर्म। सर्दियों में तो मैं 1 कप कॉफी डेली पीती ही पीती हूँ, मेरा मन नहीं लगता बिना कॉफी के। हाँ गर्मियों में नहीं पीती, बट तो पीजिए जी। कैसे हो आप सब, मेरे 2-3 पार्सल आए थे जो कि मैंने ऑर्डर कर रखे थे, तो मेरे को लगा चलो मैं आपको वही दिखा देती हूँ। और आप में से कुछ बोलते हो ना कि आपको खुद ही याद नहीं होता कि क्या क्या ऑर्डर कर रखा है, तो सच में ध्यान नहीं निकल जाता है, क्योंकि काफी सारी चीजें आपको पता है प्रमोशनल वीडियोस की मैं करती रहती हूँ ना, दिमाग से निकल जाता है, ऑर्डर कर देती हूँ फिर याद ही नहीं रहता। तो क्या है चीजें मैं देख के बता देती हूँ, देखो ही क्या है मुझे सच में। हाँ ये तो मैंने अपने लिए ये 3 इनर गारमेंट्स ऑर्डर करे थे, स्पोर्ट्स ब्रा ऑर्डर करी थी, ये देख लो, एक
ये दो और ये तीसरा है, ये देख लीजिए, ये कुछ इस तरीके से है। तो मुझे मैंने ऑर्डर करी थी, अब मैं दूसरा खोल के दिखाती हूँ आपको इसमें क्या है। हाँ मुझे याद आ रहा है, याद आ रहा है, याद आ रहा है। मैंने ना एक मम्मी के लिए माइक्रोफोन भी मंगवाया था, क्योंकि मम्मी की आवाज कम आती है ना वीडियोस में, आपके कमेंट्स आते हैं, तो ये वही होगा। ये रहा देखो, ये माइक्रोफोन मम्मी के लिए मंगवाया था कि मम्मी यहाँ लगा के बोला करेंगे तो आवाज तेज आएगी। अब लास्ट में ये काफी भारी लग रहा है, ये क्या है? ये देखो ताले, ये मुझे बिल्कुल याद नहीं था कि मैंने ऑर्डर भी कर रखे हैं ताले, उनकी जरूरत थी। ये देखो इस तरीके से दे 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 दो दे दो। हाँ 1000 रुपए है पजी, 1000 नहीं है पजी, खत्म हो गए मेरे पास, 100-150 रुपए पड़े हैं, इससे ज्यादा नहीं है। हाँ ऐसे क्यों फेंक रहे हो? तो ये देख लीजिए, ये दो ताले मंगवाए हैं घर के लिए, क्योंकि ना यार कहीं जाना पड़ जाए कुछ हो, घर के लिए ताले की, तालों की जरूरत थी। मैंने ये भी ऑनलाइन मंगवा लिया था। हाँ ये तीन था, ये तीन चीजें आई थी, मैंने आपको दिखा दी है 1000 रुपए की। और मेरे पापा जी आए हैं, मैंने फोन किया क्योंकि मेरे पैसे खत्म हो गए थे, और मम्मी कह रही है कि मैं अब उधर जाऊंगी। तो टाइल वर्क मैं मॉर्निंग में दिखाऊंगी आपको, देख लो अभी अंधेरा हो रखा है, रात हो रही है बाहर। हाँ मम्मी यहाँ पे कर दो अंदर, क्योंकि नहीं ये बिट्टी मेरे साथ जाओगे वहां की। हाँ, और ये रोएगा नहीं, मम्मा आप जाओगे? नहीं मैं दूध ले उठा के, बस रोटी बनाई, अच्छा जरूर तो एक दो। ठीक है मम्मा, ये तो गया अंदर, रोएगा रोएगा थोड़ी देर, फिर मेरे से लेके गिर गई थी मैं, आज सही नहीं हुई गिरी। ये देख लीजिए, अभी दिन में दिखाऊंगी मैं सारा अच्छे से, कैसे क्या क्या हुआ है यहाँ पे। हाँ चल रही है, ठीक है मम्मा, ठीक है मम्मा, ठीक है विहान।